प्रणाम दोस्तों, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग, आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट रहता है अबाउट व्हाट इज होल्डर फॉर कंसिडरेशन एंड व्हाट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये हमेशा से एक सब लोगों के दिमाग में एक नए कंसेप्शन लोग बना लेते हैं। वील टेक 5 to 7 मिनट्स ऑफ योर्स और 100% क्लियर करके देता हूँ होल्डर क्या होता है, होल्डर फॉर कंसिडरेशन क्या होता है एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। इसके बाद कहीं और किसी चीज को हाथ मत लगाना, अगर मन पड़े तो सीधा जाके बेयर एक्ट पढ़ लेना। चलिए बड़ी आसानी से शुरू कर देते हैं आपका होल्डर होल्डर फॉर कंसिडरेशन एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं मैं बड़ा नीट काम करना पसंद करता हूं, इसीलिए आप लोगों के लिए एकदम साफ सुथरा वीडियो बना देते हैं। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर? जब आप बोलते हो वर्ड होल्डर, होल्डर का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, समझो, बहुत सारे लोगों ने ना होल्डर का अपना ही मतलब बना दिया है। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है आप इसको होल्डर बुलाते हो। अगर ऐसा है तो क्या अगर मेरे घर पे कल चोरी हुई और किसी ने मेरा डॉक्यूमेंट उठा लिया तो वो होल्डर बन जाएगा? द आंसर टू दैट इज नो। क्यों? क्योंकि भाई तूने चोरी की है, तेरा क्या राइट था इस वीडियो के ऊपर? सो होल्डर में सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है द पोजेशन। अच्छा, क्या खाली पोजेशन हो गया तो आप होल्डर बन जाएंगे? नहीं, पोजेशन के साथ कुछ और चीजें भी होना जरूरी है आपको होल्डर बनने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो जब कभी भी एक बंदा जिसके पास पोजेशन है, ही इज एंटाइटल्ड फॉर दैट पोजेशन। जिसके पास पोजेशन है और वो एंटाइटल्ड भी है। अब एंटाइटल्ड फॉर द पोजेशन का मतलब क्या होता है? कि इस बंदे के पास ये राइट था कि वो इस बिल का पोजेशन ले सके। अच्छा, अभी भी ये पूरा होल्डर नहीं बना है, इसे होल्डर बनने के लिए एक और चीज की जरूरत है, समझिएगा। पोजेशन है, एंटाइटल्ड है पोजेशन का, और साथ में ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मनी अंडर इट। अगर दोस्तों ये तीन चीजें किसी के पास भी आपको साथ में मिल जाए तो आप उसको क्या बुलाइएगा? एक होल्डर बुलाना। यहां तक एकदम ठीक है? अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल बात समझिएगा। मान लीजिए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत शानदार स्कोर किया, आपने रैंक लगाया, जिसके चलते मैंने आपको एज अ गिफ्ट एक चेक दिया, आपको मैंने एक चेक दिया। इन दिस केस ये चेक जो आपको दिया, दिस इज एज गुड एज अ गिफ्ट, गिफ्ट से ज्यादा कुछ नहीं। अब बात समझिएगा, पोजेशन है, क्या आप एंटाइटल थे इस पोजेशन के लिए? बिल्कुल थे। क्या आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे केस में मैं आपको क्या बुलाता हूं? होल्डर बुलाता हूं। अब एक सेकेंड, अपन देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कितना अच्छा है। पहले के लिए होल्डर का मतलब एकदम क्लियर है। अच्छा, अब अगर आप इसे मैं होल्डर फॉर कंसिडरेशन बताने जाऊं तो होल्डर फॉर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पोजेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही। होल्डर फॉर कंसिडरेशन में भी पोजेशन लगेगा ही लगेगा। पोजेशन मिल गया, साथ में एंटाइटल फॉर पोजेशन होना चाहिए, यस, एंटाइटल फॉर पोजेशन भी होना चाहिए। थर्ड, आप लोग क्या इसमें क्लेम कर सकते हैं? यस, होल्डर फॉर कंसिडरेशन में भी क्लेम करना आपका राइट होना चाहिए। पर इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि ये जो पेमेंट आपको मिला है ये बिकॉज ऑफ सम कंसिडरेशन मिला है। आपने कोई काम किया था जिसकी वजह से आपको कंसिडरेशन मिला। आप मेरे यहां पे आए, आपने मेरे यहां पे काम किया जिसकी वजह से मैंने आपको ये चेक दिया। आप ऐसे केस में होल्डर नहीं, होल्डर फॉर कंसिडरेशन बन जाते हैं। अब तीसरी तरफ चलते हैं, जिसको अपने कहा होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हो ना, तो बस पिछली वाली वापस से कॉपी पेस्ट कर लो। आपके पास पोजेशन होना चाहिए, आप एंटाइटल होने चाहिए पोजेशन के लिए, आप उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं, और ये जो बिल है वो आपको किसने मिलना चाहिए? कंसिडरेशन की वजह से मिलना चाहिए। पर अब आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कुछ और चीजें लगती है, जो है ये जो चीज आपने ली है ये आपको गुड फेथ में लेनी है। ये जो बिल आपके पास आया है ये गुड फेथ में आया है, आपको कभी भी पता ही नहीं था कि इसके अंदर कोई एरर है, आपने विश्वास पे लिया है इसको। वन,
सेकेंड चीज गुड फेथ के साथ साथ याद रखना, खाली गुड फेथ से आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनते. एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है विदाउट एनी नेग्लिजेंस. मतलब कि आप लोगों ने इसे ढंग से देख के लिया था, आप लोगों ने इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाया. फ्रॉड हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर नेग्लिजेंस नहीं दिखाया. इतनी छोटी सी चीज कि अगर कोई भी देख के समझ सकता था और आपने इतनी बड़ी गलती कर दी तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेंगे. अब जस्ट इसको एक चीज बता दें, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटल होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का. द हाइएस्ट टाइटल इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. ये एज गुड एज गंगा माँ है. इसके अंदर अगर एक खराब बिल भी आया तो वो एकदम प्योर होकर निकलेगा और ये लोग अपना क्लेम ले पाएंगे. सबसे पावरफुल होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स. उसके बाद आता है होल्डर फॉर कंसिडरेशन. आई गिव इट अ 2-स्टार. सबसे ज्यादा पावरफुल होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके बाद होल्डर फॉर कंसिडरेशन, एंड होल्डर होता है सबसे वीक. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए कि मेरी गर्लफ्रेंड के फादर मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे मुंह पे चेक फेंक के मारा और बोला कि जा इस चेक के अंदर अमाउंट भर ले और जितने पैसे चाहिए उतने ले ले. मेरे पास चेक का पोजेशन है, मैं एंटाइटल्ड हूं पोजेशन के लिए, मैं क्लेम भी कर सकता हूं. पर क्या मेरे को कुछ कंसिडरेशन था क्या? नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे दे दिया. मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपकी बेटी को छोड़ रहा हूं इसकी वजह से कंसिडरेशन है आपकी तरफ से? नहीं. तो इसीलिए ये जो क्लेम है ना सबसे वीक होता है. मान लो कल चेक बाउंस हो गया तो आप क्या कर लोगे? मान लीजिए कल अगर चेक बाउंस हो गया तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते यार. क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंसिडरेशन. इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वीक टाइटल क्या होता है? होल्डर का होता है. नेक्स्ट आप आए होल्डर इन ड्यू कोर्स. अच्छा, होल्डर फॉर कंसिडरेशन. फर्क सिर्फ कितना सा है? आपने काम किया है तो कंसिडरेशन मिला आपको, और कंसिडरेशन के तौर पे आपको हमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया. तो बेटा क्या आपका क्लेम इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वैलिड माना जाएगा? यस, वैलिड माना जाएगा. पर बेटा एक बात समझना, ये क्लेम इतना वैलिड नहीं हो सकता कि अगर आपके साथ आपने कुछ गलती कर दी हो या फिर आपने कुछ गुड फेथ में काम ना किया हो. तो ऐसे केस में होल्डर फॉर कंसिडरेशन के लिए आपको कोई रिकवरी नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग गुड फेथ नहीं मानते. ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पता था कि आप जो मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो वो गलत है, फिर भी मैंने ले लिया. तो ऐसे केस में मैं बन जाता हूं होल्डर फॉर कंसिडरेशन. तो मेरा स्टेटस होल्डर से तो अच्छा है, पर होल्डर फॉर कंसिडरेशन से थोड़ा सा कम अच्छा है. अब आते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब बात समझिएगा, ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया. ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया. ये इंस्ट्रूमेंट ए के पास चला, ए से गया बी के पास. अच्छा, फॉर कंसिडरेशन दिया है तो बी क्या बन गया? होल्डर इन, होल्डर फॉर कंसिडरेशन. आई एम सॉरी, मतलब इससे अच्छा टाइटल भी इसका है. अब आगे बढ़ते हैं, देखना इधर से. बी ने ये चीज आगे सी को पास कर दी. बी ने ये चीज आगे सी को पास करी. अच्छा, बी ने ना सी के साथ फ्रॉड किया है भाई, बिल्कुल फ्रॉड किया है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग सी के पास ये बिल होना ही नहीं चाहिए था. सी लायक ही नहीं है इस बिल के पे. ठीक है, मेरे को इस चीज के बारे में कुछ नहीं जानना, जाने दो. अपन मानते हैं कि इसका स्टेटस तो होल्डर जैसा ही है, और होल्डर से भी खराब मानना है, होल्डर से भी खराब मान लो. पर ये चीज फाइनली सी ने एक बंदे को दी जिसका नाम है डी. डी ने ये बिल पोजेशन में लिया, वो एंटाइटल था और उसको कंसिडरेशन भी मिला इसके लिए. क्यों? क्योंकि डी ने जेन्युइनली कुछ काम किया था, और डी को सच में पता नहीं था कि ये बिल उसको फ्रॉड से मिला जा रहा है, या फिर डी ने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाया था. तो ना या नेग्लिजेंस था ना या कोई फ्रॉड था. तो ऐसे केस में ये जो डी के पास इंस्ट्रूमेंट आया है, क्या मैं कह सकता हूँ डी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है? यस, क्योंकि यहाँ पे गुड फेथ भी है और नेग्लिजेंस भी नहीं है. ऐसे केस में याद रहे, चाहे ये बिल पहले वाले हाथ में खराब था, पर मैंने कहा था होल्डर इन ड्यू कोर्स तो गंगा की तरह. अगर यहां पे ये इंस्ट्रूमेंट आया जो पहले एरर में भी था, तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो क्लेम है वो क्या माना जाएगा? एक वैलिड क्लेम ट्रीट किया जाएगा. यहां तक एकदम ठीक है? जैसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कोई चीज आ गई, वो चीज ऑटोमेटिकली वैलिड ट्रीट की जाएगी. बस अब एक लास्ट एग्जांपल एंड वी कम टू एन एंड. जस्ट एक मिनट का और.
अपन ने क्या बोला, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ए को दिया, खाली है, इसमें कुछ डाला नहीं हुआ था, अमाउंट नहीं था, पर इसके ऊपर मैंने एक स्टैंप लगा रखी थी और स्टैंप की वैल्यू थी 50 रुपये। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल ये 50 रुपये की वैल्यू ये बता रही थी कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम क्या हो सकता था, 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता था। एकदम ठीक है, ये स्टैंप वैल्यू से पता बढ़ रहा है एकदम खुला और सबको बताए बात। अच्छा, मैंने बिल ए को दिया और मैंने कहा सर आपका जितना पैसा बनता हो आप इसमें डाल लीजिएगा और आगे बढ़ाइए। अच्छा, ए ने क्या किया ना, एक फ्रॉड किया, ए ने इसके अंदर डाल दिए 6 लाख रुपये। अच्छा, ए ने तो गलत किया ही है, ए ने ये बिल बी को दिया जिसने ये बिल गुड फेथ में लिया और 6 लाख का बिल लेके चला गया। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, बी ने जब ये 6 लाख रुपये का बिल लिया तो क्या बी होल्डर इन ड्यू कोर्स था या नहीं? द आंसर टू दिस इज नो। क्यों? क्योंकि आपने गुड फेथ में तो बिल लिया पर यार इतना बड़ा नेग्लिजेंस कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी की वजह से पता पड़ रहा था कि इस बिल की मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, पर आपने कितनी वैल्यू डाली हुई है, 6 लाख रुपए वैल्यू डाली हुई है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पे 5 लाख की जगह 6 लाख वैल्यू डाली हुई है, तो चाहे तूने ये बिल गुड फेथ में लिया पर क्या यहां पे नेग्लिजेंस नहीं था? भाई 100% यहां पे नेग्लिजेंस था और इसी वजह से आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए गुड फेथ एंड नेग्लिजेंस दोनों का ध्यान रखना है, तभी आप एसजीसी बनते हो। सो ये बंदा हमारा बाहुबली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, होल्डर फॉर कंसिडरेशन उससे थोड़ा कम पावरफुल एंड होल्डर सबसे वीक हो जाता है। सो विद दिस वी कम डाउन टू एन एंड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय अ होल्डर, होल्डर फॉर कंसिडरेशन एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।